गंगा दशहरा में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर गंगा दशहरा के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। माना जाता है कि हिंदू धर्म में गंगा दशहरा पर्व का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ गंगा धरती पर उतरी थी। विष्णुपदी गंगा मैया के धरती लोक पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माना यह भी जाता है कि भागीरथ मुनि अपने पूर्वजों को आत्मा की उद्धार करने और धरती पर मनुष्यों का कष्ट निवारण करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। तो आज का जो तिथि है, आज को गंगा दशहरा जो है, यह जाकर के जो है वेद पुराण में वर्णित है और बहुत ही पवित्र जाकर के तिथि है। आज ही के दिन भगवती गंगा का अवतरण हुआ था। भागीरथ जब गंगा को धरती पर लाए थे, आज ही के दिन भगवती आई थी और उनके जाकर के पूर्वजों का उद्धार की थी भगवती। और उसी क्रम में जब भगवती ही जाकर के जो है, जो वर्तमान में भी सुल्तानगंज बोलते हैं, इसका सही में नाम जाकर के जहनुगिरा है, तो भगवती जब जहनुगिरा होकर के पास हो रही थी तो जाह्नवी ऋषि यहीं पे थे, उनका कुटिया उटिया भसा के लेके जाने लगे थे। तो जाह्नवी ऋषि उनको तीन जाकर के में पान कर लिए, तो फिर यहाँ जाकर के जो है बहुत उनका अनुनय विनय किया गया। उसके बाद फिर जांग चीर के बेटी बना के उनको यहाँ पे चाहिए। आज दान ध्यान गंगा स्नान बाबा का पूजा महादेव का पूजा, इसका बहुत महत्व है। आज जो स्नान करेंगे कोटि कोटि जन्म का पाप धुल जाएगा। फिर आप देख रहे हैं ना, इसमें बंगाल है, उड़ीसा है, नेपाल है, बिहार के तो हैं ही, झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है। इन लोगों में मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद जो है काफ़ी पुण्य का जाकर के जो है प्राप्ति होती है, मन शांत तो होता है, मन साल भर तक आपका विचलित एकदम नहीं होगा। और आज जो स्नान किए, जन्मों जन्म का, कोई एक दो चार सात जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का जो जाकर के जो प्रारब्ध में संचित जो पाप है वह पाप आपका कटेगा। जो आप जन्मों जन्म में पाप को कमाए हैं उस पाप को काटने की शक्ति आज के तिथि में है, इसी को गंगा दशहरा कहते हैं। आइए गंगा स्नान कीजिए और जन्मों जन्म के पाप से छुटकारा पाइए। भागीरथ तो महात्मा थे, यही धरती पर आज के दिन मतलब आए हैं गंगा जी, जिसके लिए हम लोग उस पर्व को उत्साह से मनाते हैं गंगा दशहरा के नाम से। क्या विधि पूजा अर्चना करने दिन, आज के दिन मतलब गंगा माँ को पूजते हैं, आम मतलब फूल बेलपत्र से पूजा करते हैं, स्नान करते हैं गंगा जी में सब भक्त जन। कहाँ से आए बेटे? हम लोग तारापुर से। सर कैसा लग रहा है, आप उत्तरवाहिनी गंगा घाट के नौमनी गंगे घाट पे हैं, कैसा लग रहा है? गंगा में नहाने का महत्व ही कुछ अलग है, नहाइएगा तो इसका आनंद जो है ना एकदम भरपूर आता, मतलब मन ही नहीं करता गंगा से निकले हम लोग। तो कैसा फीलिंग करते हैं आप इस तरह को गंगा उत्तरवाहिनी गंगा? समाज का सबसे बेहतर चीज माना जाती है, बाबा को यहाँ से जल उठाते हैं हम लोग, बाबा को पूजा करते हैं, इससे बढ़िया क्या हुआ। आज गंगा दशहरा है सर, इसका क्या महत्व है? गंगा दशहरा आज के दिन है, गंगा माता पृथ्वी को आई थी, ऐसे स्वर्ग में रहती थी, आज पृथ्वी को आई थी, पृथ्वी को मतलब पवित्र करने के लिए गंगा माता आया। सबके पापों का हम लोग का जितना भी पाप करते हैं इसमें आके धुल जाता, तो इसका महत्व इतना बेहतरीन है कि इसका वर्णन है। प्लस अपना ये कौन था भागीरथ जो हैं वो लाए थे धरती पर, उनको भागीरथ का तपस्या सफल हुआ था, इसलिए गंगा दशहरा में सब आदमी को आना चाहिए और गंगा जी का पूजा करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, इससे धर्म बढ़ता है, धर्म घटेगा नहीं। क्या व्यवस्था ठीक है, जहाँ तक स्नान करने का रूल्स बना है उसके लिए बेटर है, आगे बढ़ेगा तो दिक्कत है। तो अच्छा लग रहा है घाट पे, किसी नगर व्यवस्था तो सारा सही है, बस यही नगर व्यवस्था से अनुरोध है कि घाट का जो पोजीशन है, जब अगर इस तरह का भीड़ हो तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, जिससे क्या कोई हादसा नहीं हो। तो किस तरह का लग रहा है घाट पे, किस तरह व्यवस्था हुआ है? देखिए घाट का व्यवस्था ठीक है, तो हम बताएं ना, सीढ़ी का व्यवस्था ख़राब है, जिसमें लोग उतर रहा है चढ़ रहा है, तो बड़ा सावधानी से ज़रा सा मिस करने के बाद, और पत्थर जो लगा हुआ है वो भी खतरनाक है, ढंग से अगर बिछा दिया जाता इतना परेशानी नहीं होता लोग। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर,
मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।